नमस्कार दोस्तों, नौकरीगंज यूट्यूब चैनल आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जो एमपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में, जो असमंजस बना हुआ है कि 14,000 वैकेंसियाँ 15,000 वैकेंसियाँ हैं, वैकेंसी हैं भी या नहीं, और हैं तो कब आएंगी, इनकी कोई प्रूफ है या हवा में तीर लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर एमपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी वीडियो, जैसे एमपी पुलिस के कट ऑफ से रिलेटेड, एमपी पुलिस के मेडिकल से रिलेटेड, एमपी पटवारी की जो वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में, या उनकी कट ऑफ, या एमपी पटवारी में वेटिंग लिस्ट वालों का होगा नहीं होगा दिल्ली पुलिस के लिए, कोई भी वीडियो तो दोस्तों आप देख रखते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा आपको। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, है क्या ये 2018 में ये पुलिस की वैकेंसियाँ हैं या नहीं हैं? तो हमारे पास दो फैक्टर होने चाहिए। एक तो व्यापम कैलेंडर आया है हमारा, ठीक है, व्यापम कैलेंडर में वैकेंसियाँ हैं नहीं हैं, और दूसरा क्या इन्होंने व्यापम ने कुछ ऐसा दिया है कि भाई ये वैकेंसी होंगी। तो व्यापम व्यापम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे मैंने ईमेल किया था, उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कोई भी उन्होंने बताया नहीं कि वैकेंसी होंगी नहीं। तो दोनों फैक्टर इसके अपोजिट में है, मतलब दोनों फैक्टर नकार रहे हैं कि वैकेंसी नहीं होगी। फिर भी वैकेंसी के बारे में क्या है उसका चलो थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे कोई लिखित में कोई प्रूफ है नहीं, लेकिन लॉजिकली प्रूफ है, अगर आप सोचेंगे उसको तो आप भी यही बात बोलोगे कि हाँ वैकेंसियाँ आएंगी। कैसे दोस्तों, चलो एनालाइज करते हैं। 2012 में दोस्तों जो नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी 5/8/2012 को, फाइनल रिजल्ट 11/1/2013, ओके। दूसरी 2013, 23/1/2013 में नोटिफिकेशन, 14/6/2013 में उसका फाइनल रिजल्ट, चलो ठीक है। अगली 2013 की तीसरी वैकेंसी 14/7/2013, ये देखो यहाँ 14/7/2013 को नोटिफिकेशन, बट इसका फाइनल रिजल्ट मतलब भर्ती कंप्लीट हुई थी 2014 में, और 2013 में 26/11/2013 में इलेक्शन थे, तो इलेक्शन से पहले उन्होंने तीन भर्तियां कंप्लीट कर दी। तो ऐसा कुछ मतलब लिख के नहीं दिया है कि भाई तीन कंप्लीट ही करेंगे, बट दोस्तों ये देखिए, ये देखने वाली चीज़ है, उन्होंने ये भर्तियां कितनी जल्दी की, छठे महीने में उन्होंने इस भर्ती को क्लियर किया, सातवें महीने फिर से नोटिफिकेशन क्यों निकाल दी, ये दोस्तों पॉलिटिक्स है। चलो दोस्तों अगले देख लेते, इस साल का देख लेते हैं, मतलब ये सरकार आने के बाद, ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि दोस्तों प्रूफ अभी किसी ने दिया नहीं है, कुछ मतलब बोल गए हैं, मैं कुछ आपको लॉजिक दे रहा हूँ, अगर आपको लगे, मुझे तो लगता है दोस्तों इस लॉजिक से मुझे पूरा पूरा लगता है ये भर्तियाँ तो आएंगी श्योर। चलो दोस्तों जान लेते हैं 2016 में क्या था। तो भाई 2016 में थी 11/4/2016 नोटिफिकेशन आई, 15/12/2016 को ये फाइनल रिजल्ट आया इसका। 2017 वाली क्या है ये 8/6/2017, ये क्या है रिवाइज होने के बाद 14/12/2017, ठीक है, इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी लगभग अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये देखो अब फिर वही बात, इलेक्शन कब है, नवंबर में, नवंबर में आपकी आचार संहिता लग जाएगी नवंबर में। तो अप्रैल के बाद हमारे पास कितने महीने हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आठ महीने हैं। तो ये बात तो है कि 8 महीनों में, आपने लास्ट देखा होगा लास्ट में जब गवर्नमेंट बनी थी उससे पहले उन्होंने एक भर्ती को क्लियर होने के बाद एक की ज्वाइनिंग हुई थी, तो उसके नेक्स्ट मंथ ही भर्ती निकाल दी थी, इसमें हमारे पास 8 महीने हैं। तो वो इसको क्लियर ना करें बेशक कि फाइनल तक ना पहुंचाएं, बट भर्ती ज़रूर निकलेगी, पक्का निकलेगी दोस्तों, क्योंकि नवंबर में है तो उससे पहले ज़रूर निकलेगी, दो ही भर्तियाँ निकलेगी, तीसरी वाली होगी और पक्का निकलेगी। ये कैसे पता चला, व्यापम ने तो नकार दिया कि है नहीं। तो दोस्तों जो है PHQ जो है भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर, उसमें अगर आप पता करेंगे तो 14,000 के करीब वैकेंसियां खाली हैं। तो दोस्तों इन्होंने, अब आप ये पूछेंगे भी आप कैलेंडर में इन्होंने जारी क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं, तो दोस्तों जारी करने का ये, एक तो जो ये भर्ती है ये ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो ऐसा तो है नहीं एक कंप्लीट भी ना दूसरी को शुरू कर देंगे, ये प्रोसेस में है ना इसलिए नहीं किया एक तो, और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर व्यापम में न्याय तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट चेंज हो रही है और ये भर्ती भी तब तक कंप्लीट हो जाएगी, तो एक भर्ती इनको करानी ही पड़ेगी। और दूसरा इशू क्या है, वैकेंसी खाली है। तो दोस्तों 14,000 वैकेंसी खाली है, तो 14,000 तो है ही, प्लस मतलब कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं, और इसका नोटिफिकेशन आएगा, एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, ये देखिए एक्सपेक्टेशन है, अप्रैल से जुलाई और एग्ज़ाम होगा मई से सितंबर, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही। इसके मेन पॉइंट क्या है, क्यों आएगी वैकेंसी, एक तो नवंबर में इलेक्शन है, कोई नहीं चलो भाई मान लिया बात को, दूसरा वैकेंसी भी हैं 14,000 प्लस,
जो आप पुलिस हेडक्वार्टर में पता करेंगे आपको पता चल जाए 14,000 वैकेंसी भी हैं। चलो ठीक है, ये बात ही मान लेते हैं। और दूसरा एक शेड्यूल रिक्वायरमेंट आया हुआ, उन्होंने 3 कराई थी, तो अभी इनके पास है 8-9 महीने का टाइम है, 8 महीने का टाइम रहेगा इसके ज्वाइन के बाद, तो भर्ती को कम्प्लीट बेशक ना कराएं बट जरूर शुरू जरूर करा दें। तो दोस्तों बी होपफुल, तैयार रहें इसके लिए। और दोस्तों जिनका नहीं हुआ है उनके लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार रखें, ऐसा ना हो जो अब की बार जो गलतियाँ हो नेक्स्ट टाइम हो। हालांकि आप निकाल लेंगे, आपने तैयारी किया है तो अच्छी। तो दोस्तों यही मैं बताना चाह रहा था। और दोस्तों व्यापम कैलेंडर का मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा व्यापम कैलेंडर का, उसमें आप देख लीजिए एमपी पुलिस की पटवारी की कट ऑफ, वो भी वीडियो में बनाऊंगा अभी। और एमपी पुलिस की ना सॉरी दोस्तों एमपी पटवारी का, और दोस्तों एमपी पटवारी से रिलेटेड एक वेटिंग लिस्ट की जो वीडियो है वो मैंने डाल दी ऑलरेडी। एमपी पुलिस के कट ऑफ, एमपी पुलिस का मेडिकल वीडियो डाल चुका हूं मैं। तो दोस्तों कोई भी कैसा भी डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तो दोस्तों कुछ नहीं बताना चाहूँगा, वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे 1-1 मिनट की वीडियो बनाई है, उसमें बस एक्सपेक्टेड डेट बता दी है। तो दोस्तों चलो यही है इस वीडियो में, तो अपना तैयारी करते रहिए। और दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और दोस्तों व्यापम के कैलेंडर से रिलेटेड उसमें क्या है, 18 जो वैकेंसी आए हैं उनका क्या झोल है, क्या चक्कर है उनका, उसके लिए दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसका जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, इससे होगा क्या आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, आपका एक बार फिर से धन्यवाद।